नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आर्म्स वर्कआउट बताऊंगा और जो आप लोगों के बिंगो विंग्स होते हैं उनको भी जो है लीन करेंगे आज हम लोग। तो कुछ वर्कआउट हैं जिनमें आप लोगों को तकरीबन आप लोगों को 1 लीटर बॉटल का इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों के घर में अगर डंबल्स वगैरह नहीं है तो आप लोग 1 लीटर बॉटल्स जो है वो पानी की भर लीजिए और उसी का इस्तेमाल आप लोग अपने जो विंगो विंग्स हैं यानी कि लटकती हुई चर्बी जो है आर्म्स के ऊपर उनको कम कर सकते हैं। तो ये सभी वर्कआउट्स आप लोग सुबह उठकर कीजिए, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों के हाथों में भी मजबूती मिलेगी और आप लोगों की बॉडी में भी पावर आएगा। सबसे पहला वर्कआउट हम लोग बोलते हैं कि आप लोगों को फ्लैटर आर्म्स एक्सरसाइज करनी है। फ्लैटर आर्म्स एक्सरसाइज का मतलब है कि आप लोगों के दोनों हाथों में थोड़ा वेट होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर दिखाया गया है उसी प्रकार हाथों को जो है अप एंड डाउन करना है, ठीक है। और ये फ्लैटर पोजीशन पर है, ये फ्रंट पोजीशन पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को इसमें जो टोंड होंगे वो आप लोगों की या लीन होगी, जो मसल्स होंगी वो शोल्डर मसल्स भी आप लोगों की इसमें काम करेगी। तो शोल्डर्स भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे, आर्म स्पीड का फैट जो है वो भी रिड्यूस होगा और साथ ही आप लोगों के बाइसेप्स का जो फैट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। 40 सेकंड के लिए आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। 40 सेकंड के बाद आप लोगों को मिलता है रेस्ट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को, तो मोबाइल उठाइए और अपना कमेंट जो है आप लोग कर सकते हैं या आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। अब आप लोगों को एक सिंपल सा स्टूल लेना है, उसके ऊपर आप लोगों को लेट जाना है और जो बोतल आप लोगों के हाथ में है या डंबल्स आप लोगों के हाथ में है तो उसको आप लोगों को स्कैटर करना है। यानी कि पहले अपनी चेस्ट के ऊपर की ओर लेना है, उसके बाद में चेस्ट से दूर लेकर जाना है और फिर अपने चेस्ट की ओर लेकर आना है। तो ये वर्कआउट जो है आप लोगों का कंप्लीट होता है 40 सेकंड के लिए ही। इसमें अगर आप लोग देखें तो बाइसेप्स की जो मसल्स है देखिए कितनी जो है वो टोंड हो रही है, लीन हो रही है, साथ ही आप लोगों का ब्रेस्ट फैट जो है वो भी रिड्यूस होता है। तो चेस्ट मसल्स भी काम करती हैं इसमें और आप लोगों के बाइसेप्स की जो मसल्स हैं वो भी काम करती हैं, साथ ही शोल्डर मसल्स भी काम करती हैं। तो अगर आप लोगों को चेस्ट फैट है तो वो भी रिड्यूस होता है इस एक्सरसाइज से। अब आप लोगों के पास फिर से आ जाता है 10 सेकंड का रेस्ट। तो इसमें आप लोग आराम कर सकते हैं, थोड़े बहुत आराम दे सकते हैं अपने हाथों को और कंधों को। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी एक्सरसाइज। अब आप लोगों को वेट जो है वो अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और कंधों के जस्ट पीछे की बैक साइड में लेकर जाना है। अब उस वेट को आप लोगों को अप एंड डाउन करना है जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस एक्सरसाइज से अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के जो शोल्डर मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और आप लोगों के जो बाइसेप्स मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो बाइसेप्स को टोन बनाना जो है हमारा टारगेट है। तो ये वर्कआउट अगर आप लोग 40 सेकंड के लिए करते हैं तो आप लोगों के देखिए चेस्ट फैट में भी आप लोगों को नज़र आएगा, आप लोगों की जो शोल्डर मसल्स हैं वो कितनी काम कर रही हैं। तो बाइसेप्स की जो फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा, आप लोगों के बिंगो विंग्स जो हैं यानी कि बिंगो जो हाथ है लटकी हुई जो सैगिंग जो चर्बी होती है वो हट जाएगी। आप फिर से रेस्ट कर लीजिए 10 सेकंड का और 10 सेकंड के बाद हम लोग चलते हैं चौथी एक्सरसाइज की ओर। चौथी एक्सरसाइज में आप लोगों को लंजेस करना है लेकिन साथ में आप लोगों को वेट जो है अपने हाथों में रखना है और उसके बाद में आप लोग जो है लंजेस करने के लिए आप लोगों को ना ही रिवर्स लंजेस करना है ना ही फॉरवर्ड लंजेस करना है। इसमें आप लोगों को स्ट्रेट लंजेस करना है यानी कि आप लोगों को सिर्फ लंजेस पोजिशन में रहना है। एक पैर आप लोगों का सामने की ओर रहना चाहिए तो दूसरा पैर जो है आप लोगों का पीछे की ओर रहना चाहिए। दोनों हाथों में अगर वेट रहेगा और आप लोग नीचे बैठकर जब आप लोग उठेंगे तो आप लोग जो है एक पैर के बेसिस पर उठेंगे लेकिन आप लोगों के हाथ में जो वेट है वो आप लोगों से ऊपर की ओर उठाना है। तो इससे स्ट्रेट पोजिशन जो है आप लोगों की हाथों की वो आप लोगों के बाइसेप्स का फैट रिड्यूस करने में आप लोगों की मदद करेगा। तो ये चार एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है रेस्ट। और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए क्योंकि फैट तो हम लोग कम करने वाले ही हैं। नंबर 5वीं एक्सरसाइज है आप लोगों की, ये मशीन के साथ एक्सरसाइज अगर आप लोग करें तो भी अच्छा है, अदरवाइज आप लोग डंबल्स के साथ या अपनी वाटर बॉटल के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वाटर बॉटल को अपने हाथों में रखिए, एक चेयर पर बैठ जाइए, उसके बाद में वाटर बॉटल को सामने एकदम चेस्ट के एकदम दोनों हाथ जो है सामने रख लीजिए। उसके बाद में अपना चेस्ट जो है आगे की ओर लाते हुए वाटर बॉटल को जस्ट दोनों हाथों को जस्ट फैलाइए जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और अब आप लोग ये महसूस कीजिए कि आप लोगों के चेस्ट की जो मसल्स हैं वो कितनी इसमें काम कर रही हैं, आप लोगों के बाइसेप्स की मसल्स इसमें कितनी काम कर रही हैं। तो इससे चेस्ट फैट भी रिड्यूस होता है और आप लोगों के बाइसेप्स का जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है। हंसते रहिए जैसा कि मैंने कहा, खिलखिलाते रहिए और साथ ही आप लोगों को
वर्कआउट भी करना है। तो वर्कआउट का ये सेशन जो है, यानी कि आप लोगों की 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 6th एक्सरसाइज है आप लोगों की डंबल के साथ आप लोगों को फ्रंट में अब हाथ उठाना है। तो अगर आप लोग मसल्स देखें इस आदमी की, तो आप लोग देखिए कि बाइसेप्स की मसल्स जो है वो कितनी काम कर रही है इसमें, ट्राइसेप्स भी इसमें साथ में काम कर रहा है, कंधे की जो मसल्स हैं वो भी कितनी काम कर रही है। तो ये पूरे हाथ का वर्कआउट है, और जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा बहुत वेट आप लोगों को हाथों में रखना होगा। और अगर जो लोग बिल्कुल भी वेट को नहीं उठा सकते, वो अपने हाथों, खाली हाथों के साथ भी एक्सरसाइज करेंगे, तो भी आप लोगों के हाथों में मजबूती आएगी, आप लोगों के पूरे शरीर में भी मजबूती आएगी। तो ये वर्कआउट आप लोग करें, सुबह उठकर करें, शाम में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं सभी वर्कआउट्स। अब ये 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं आप लोगों की। 7th एक्सरसाइज पर जाने से पहले थोड़ा 10 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग चलते हैं 7th एक्सरसाइज की ओर। इसमें आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के जो 7th एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों के हाथ जो हैं वो एकदम सीधे नहीं रहेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टर्न आप लोगों के हाथों में रहेगा, चेस्ट जो है वो सामने की ओर रहेगा, और आप लोग देखिए कि थोड़ा सा टर्न है आप लोगों के हाथों में, और जो बोतल है वो आप लोगों की जांघों के पास जानी चाहिए ऐसे, फिर सामने एक हाथ उठाएं, फिर जांघों की ओर लेकर जाएं, फिर चेस्ट की ओर लेकर आएं, फिर जांघों की ओर लेकर जाएं। तो इसमें आप लोग देखिए दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा जो है टर्न है, एकदम सीधे हाथ आप लोगों को नहीं रखने, इसमें थोड़ा सा टर्न आप लोगों को रखना है, जिससे आप लोगों का क्या होगा कि बाइसेप्स की जो फैट है, जो सैगिंग फैट है, वो रिड्यूस हो जाएगा। अब आप लोगों को मिल जाता है फिर से 10 सेकंड का रेस्ट, और 10 सेकंड के रेस्ट के बाद आप लोगों को चलना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लेकिन जाने से पहले मैं इतना आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ वर्कआउट कीजिए, आप लोगों की हेल्दी फिगर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोगों को चाहिए एक रिस्ट्रिक्टेड बैंड एक्चुअली में, और रिस्ट्रिक्टेड बैंड आप लोगों की हेल्प करता है सभी वर्कआउट्स में। तो ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग ऑनलाइन, जहाँ से आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें, धीरे धीरे ऑर्डर करके मंगवाएंगे तो आप लोगों को आसान होगा अपने फिगर को बनाने में, और सभी इक्विपमेंट्स जो है वो जो है आप लोगों के लिए चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टेड बैंड आप लोगों को चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड बैंड को अपने पैरों के नीचे दबा लीजिए, देखिए ऐसे, और उसके बाद में आप लोगों को रिस्ट्रिक्टेड बैंड को ऊपर की ओर जो है लेटरल पोजिशन में खींचना है। इससे क्या होगा, आप लोगों के कंधे मजबूत होंगे, बाइसेप्स मजबूत होगी, बाइसेप्स की जो मसल्स है वो भी मजबूत होगी। तो इससे आप लोगों को जो फैट है रिड्यूस, हाथों का जो फैट है वो रिड्यूस करने में आप लोगों को मदद मिलेगी। अब रेस्टिंग टाइम आ चुका है। रेस्टिंग टाइम में जो है आप लोग अपनी लीन बॉडी को देख सकते हैं, अपने लीन हाथों को देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों की एक्सरसाइज है नंबर 9 एक्सरसाइज, और 9वीं एक्सरसाइज में आप लोगों को देखना है एक हाथ से ही जो है एक्सरसाइज करनी है। अब एक हाथ को पीछे की ओर लेकर जाइए, और इसमें आप लोगों का जो दूसरा हाथ है वो कोहनी से, जिस हाथ से आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं उस हाथ की कोहनी को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस वाटर बॉटल को आप लोगों को पीछे की ओर करना है, ये आप लोग बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की जो बाइसेप्स मसल्स हैं वो कितनी काम कर रही हैं, आप लोगों की जो शोल्डर मसल्स हैं वो कितनी काम कर रही है। तो इससे आप लोगों आर्म्स का फैट जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। और कहते हैं फैट को रिड्यूस करना है तो वर्कआउट ज़रूर कीजिए, ताकि वो मसल्स जो है वहाँ की काम कर सके, वहाँ पर मसल्स मास बन सके। अब जो है ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, रेस्टिंग टाइम आ चुका है, 10 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए, हाथों को आराम दे दीजिए, और फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। इस बार आप लोगों को दोनों हाथों से यही एक्सरसाइज करनी है, अपने दोनों हाथों में वाटर बॉटल रखनी है और जस्ट अपनी बैक साइड में लेकर जानी है। ध्यान रखिएगा आप लोगों को जो पोजीशन रखनी है वो वज्रासन की पोजीशन रखनी है, ताकि आप लोगों का डाइजेशन भी अच्छा रहे, आप लोगों का चेस्ट एकदम सामने रहे। और जब आप लोग अपने वाटर बॉटल को कंधों के जस्ट पीछे की ओर लेकर जाते हैं, तो आप लोगों के जो आर्म्स मसल्स हैं वो बहुत अधिक तेजी गति से काम करती हैं, वो लीन होती हैं, वो टोन्ड होती हैं, मसल्स मास बनने लगता है, और आप लोगों की जो एक्स्ट्रा चर्बी है, जिसको हम लोग बेकार का फैट बोलते हैं, वो गायब होने लगता है। तो हाथों का फैट गायब करना है तो वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। अब कहते हैं कि हर एक एक्सरसाइज के बीच में मैंने गैप दिया है, तो वो भी आप लोगों को मेंटेन रखना है, कि आप लोगों को आराम जरूर करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आप लोगों के पास, 11वीं एक्सरसाइज। इसमें दोनों हाथों को कंधों के बीच में नहीं लेकर जाना है, एकदम स्ट्रेट पोजिशन पर लेकर जाना है, और ये एक्सरसाइज आप लोगों को खड़े रहकर करनी है। तो अपनी वाटर बॉटल जो है आप लोगों को जस्ट कंधों से जस्ट ऊपर की ओर लेकर जाना है, और वहाँ पर आपस में दोनों को टच करना है, फिर लेकर आना है नीचे की ओर। तो इसमें शोल्डर का वर्कआउट आप लोगों का हो जाता है, साथ ही आप लोगों के बाइसेप्स का भी वर्कआउट हो जाता है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों की जो चेस्ट मसल्स हैं वो भी आप लोगों को सामने की ओर रखनी है। बैली को आप लोग जो हैं बहुत जल्दी रिड्यूस भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्कआउट जो है आप लोगों के हाथों के बेस पर है, हाथों का जो पकड़ है उसको मजबूत बनाने में आप लोगों की हेल्प करता है। तो 40 सेकंड के लिए ये वर्कआउट भी आप लोग कीजिए। अब आ जाता आप लोगों के पास
थोड़ा सा रेस्ट, तो इसमें आप लोग ऑयल वगैरह मसाज कर सकते हैं अपने हाथों की, जिससे आप लोगों के हाथ जो है दोबारा से एक्सरसाइज के लिए तैयार हो गए। नंबर 12 एक्सरसाइज आप लोगों के पास आती है, इसमें आप लोगों को जैसे आप लोग डंबल पोजीशन उठाते हैं वैसे ही आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक पोजीशन पर बैठ जाना है, उसके बाद में हाथों को एक हाथ को एकदम स्ट्रेट पोजीशन पर लेकर आना है, उसके बाद में जैसे डंबल उठाते हैं वैसे ही आप लोगों को उठाना है। जैसे आप लोग किसी को अपनी बाइसेप्स दिखाते हैं वैसे ही आप लोगों को अपनी बाइसेप्स के द्वारा आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। तो अपने हाथ में जितना वेट आप लोग उठा सकें उतना आप लोगों को उठाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादा वेट इतना उठाना नहीं है कि आप लोगों से उठे नहीं और आप लोग नहीं उठाएं। तो 40 सेकंड के लिए वर्कआउट भी आप लोग कीजिए, आर्म्स का जो फैट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। मोबाइल उठाइए और रेस्टिंग टाइम है तो इसमें आप लोग चैनल में कोई भी कमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और अब आ जाता है नेक्स्ट वर्कआउट, यानी कि नंबर कौन सा है, नंबर 13 वर्कआउट है और इसमें ये 40 सेकंड के लिए है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोग डंबल उठाते हैं वैसे ही आप लोगों को रिस्ट्रिक्टेड बैंड जो है वो अपनी ओर खींचना है। इसमें दोनों आर्म्स जो हैं आप लोगों की चेस्ट मसल के साथ जो है वो चिपके रहेंगे और इसमें आप लोगों को स्ट्रेट खड़े रहना है और रिस्ट्रिक्टेड बैंड को अपनी ओर खींचना है। रिस्ट्रिक्टेड बैंड आप लोगों के पैरों के नीचे रहेगा और अब आप लोग देखें कि रिस्ट्रिक्टेड बैंड को अपनी ओर जब आप लोग खींचते हैं तो आप लोगों की बाइसेप्स मसल्स जो है वो कितनी काम करती है, इंगेज रहती है। तो अगर बाइसेप्स मसल्स एंगेज रहेगी तो डेफिनेटली आप लोगों का जो फैट है बेकार का फैट वो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को सुंदर बनाने की, हेल्दी बनाने की। अब नेक्स्ट वर्कआउट है 14 एक्सरसाइज, इसमें आप लोगों को क्या करना है, सेम वर्कआउट करना है, रिस्ट्रिक्टेड बैंड के साथ नहीं करना है, डंबल्स के साथ करना है और इसमें आप लोग जो है हल्का वेट उठाएंगे लेकिन ज़्यादातर रिपीटेशंस लगाएंगे, यानी 40 सेकंड लगातार आप लोगों को जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत हल्के वेट के साथ करना है। हल्के वेट के साथ करेंगे और ज़्यादा टाइम्स अगर आप लोग ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, आप लोगों की जो एक्स्ट्रा फैट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है और आप लोगों का फैट रिड्यूस करना ही मेन पहला टारगेट होता है, लीन बॉडी करना उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट होता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करनी है और 40 सेकंड्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में फिर आ जाता है रेस्ट। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा काम है आप लोगों को सुंदर बनाना, हेल्दी बनाना और खूबसूरत दिखना आप लोगों का काम है, तो डेफिनेटली आप लोग वर्कआउट पर ज़रूर जाएंगे और सुबह उठकर ये सभी वर्कआउट्स आप लोग करेंगे। अगर आप लोग 15 एक्सरसाइज को देखें तो ये बैठे बैठे ही आप लोगों को आर्म्स फैट रिड्यूस करने की एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो अपने हाथ में कुछ भी वेट उठाइए और बाइसेप्स मसल्स के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। ये भी 40 सेकंड के लिए अगर आप लोग करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप लोगों का बाइसेप्स का जो फैट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, या हम लोग कहें हाथों की मसल्स जो है वो लीन हो जाएगी, बाहरी फैट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दोस्तों अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ हर वो प्रयास करता है जिससे आप लोग हेल्दी रहें, खूबसूरत दिखें और फिट रहें। तो अगर आप लोग अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ के वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। वर्कआउट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों का जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों को बताने की है। आज ही से शुरू कर दीजिए सभी वर्कआउट्स और मैं कहूँगा कि अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।